काले के पुराने इंजेक्शन लगे भगवान चले। ये 20 रुपए में ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। परसों है जन्माष्टमी, कल है जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है बच्चों के स्कूल में, तो आज हम उनके लिए कुछ जन्माष्टमी की ड्रेस वगैरह लेने जाएंगे, क्योंकि स्कूल में उन्हें जन्माष्टमी से रिलेटेड ड्रेस में बुलाया है। और अभी सुबह फिलहाल बच्चों को स्कूल भेज दिया है, और अब मैं कपड़े वगैरह तय करूँगी, और घर में जो पूरा बच्चों ने तहलका मचाया, अस्त व्यस्त जो किया है पूरा, वो ठीक करूँगी। उसके बाद नहा धो के नाश्ता करके फिर इंदु के साथ आज मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे। वो करेगी मिस्टी के लिए शॉपिंग, और मैं करूँगी हमारे हर्ष के लिए, और उसके अलावा घर के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदूँगी। तो आपको भी ले चलेंगे अपने साथ मार्केट, मिलते हुए मार्केट में। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े तय कर रही हूँ, और मैं तीनों के, हमारे मेरे हस्बैंड के, बच्चों के अलग अलग, दोनों बच्चों के भी अलग अलग कबोर्ड्स में अलग अलग जगह पे रखती हूँ, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार ऐसा कर लो तो फिर सही रहता है। और अब नहा लिया जाए दोस्तों। तो अब मैं जल्दी से नहा के दोस्तों आ गई हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, करेले की भुज्जी, और सब्ज़ी चढ़ा दी है, साथ साथ ही मैं चाय के बर्तन भी निपटा देती हूँ। और दोस्तों दूध उबल गया था, मैंने ठंडा कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ मैंने मंगाई थी, सिलिकॉन लिड। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मुझे कोई भी किचन एसेंशियल अच्छे लगते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने का मेरा दिल करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे फ्रेश रहता है मिल्क, और बिल्कुल भी स्पिलेज फ्री है ये। ये 6 पीस का सेट आया था दोस्तों, और 6 अलग अलग साइजेस में हैं ये, कप से छोटे कॉफ़ी वाले कप से लेकर मतलब बड़े पतीले भगोने तक का है इसमें साइज़। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं दोस्तों, मैं बना रही हूँ माड़े नाश्ते में, चावल के आटे के माड़े। आप जानते हो हमारे पहाड़ों में इन्हें माड़े कहते हैं, और बहुत पसंद करते हैं मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी। और अपने लिए बना रही हूँ दोस्तों मैं रोटी, क्योंकि मैं थोड़ा सा घी भी कम अवॉइड ही करती हूँ, तो रोटी बना रही हूँ अपने लिए। और ये मैंने छाछ भी डाल दी है ग्लास में, क्योंकि करेले की भुज्जी के साथ तो छाछ ही अच्छी लगती है। तो हस्बैंड को दे देती हूँ अब नाश्ता जल्दी से। दोस्तों मैं तो हो गई हूँ रेडी नाश्ता वाश्ता करके, तो अब इंदु का वेट कर रही हूँ, वो आती है तो फिर हम लोग सीधे निकलते हैं जल्दी से। हमने कुछ तो कर लिया है, अब हम जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं सदर बाज़ार, और अब हम काना वाली ड्रेस ढूँढ रहे हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रही है। एक जगह दिखी है, देखते हैं कैसी है। यार इंदु ये उतनी अच्छी नहीं लग रही यार, है ना? हाँ लोकल तो लग रही, पजामा छोटा है। हाँ अरे वाह, मिस्टी का साइज है ये, बड़ा है थोड़ा, इससे थोड़ा छोटा नहीं है भैया? फाइनली इसी में मिस्टी का साइज मिल गया था, तो हमने लिया फटाफट से। देखे क्या, आ जाओ। नहीं ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। हाँ फुल लेंथ धोती में है ये, वो ऐसी रेड धोती नहीं है जिसे बाहर लगा रखी है आपने। अगर गीला होगा तो थोड़ा दबा लूंगी, अगले साल खोल दूंगी। पसंद आई थी, बात नहीं बन रही मेरा साइज। हर साल का काले के पुराने इंजेक्शन लगे हैं? प्रॉपर ट्रेडिशनल ये कलर है, ये चल रहा है, अच्छा लग रहा है। फाइनली 3 दुकानें भटकने के बाद हम चौथी दुकान में कान्हा वाली ड्रेस हमें पसंद आ गई है, और अब हम उसको लेकर इंदु के लिए शूज लेने के लिए चलते हैं। ये वाली अच्छी लग रही है, लेकिन ये वाली दे दो ना 350 में। अरे ये ऑनलाइन में बहुत सस्ती मिल रही है भैया, पता है इसके 350 बिल्कुल सही बताया। चलो 380 में डील फाइनल हुई है। मस्त वाले शूज ले लिए दोस्तों, अब जाते हैं पूजा का सामान लेने। ये 20 रुपए में ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ ले लो, एक मिनट ले लो। ठाकुर जी की एक ड्रेस भी हमने ले ली है, ये देखिए इंदु ने ऑरेंज लिए, मैंने ग्रीन लिए, मेरी भी अच्छी लग रही है। सेम मैच, अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है ये। वाह माला, चलो ठीक है। आज भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बस मुंह मांगे रेट हो रखे हैं, और वीडियो सही से बन नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है सारी दुकानें। अभी इंदु ठाकुर जी के लिए झूला ले रही है, जो सेवा करते हैं ना उनके लिए ठीक है 500-600 वाले, हमारे लिए, हमें खाली एक दिन की पूजा के लिए चाहिए, उतना महंगा क्या करेंगे। फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों, अब हम घर वापस लौट रहे हैं।
दोस्तों ठाकुर जी का झूला, श्रृंगार, मेहंदी सब कुछ हमने ले लिया है। जन्माष्टमी की सारी प्रिपरेशन हमने कर ली है और अब हम घर की गली में पहुंच चुके हैं और जन्माष्टमी में हम दिखाएंगे आपको हमने मेहंदी कैसे रचाई और कैसे हमने ठाकुर जी को सजाया। तो बस घर के अंदर एंट्री कर ली है हमने। नॉन स्टॉप चल रहे थे जब से गए थे, पता है इतने ज़्यादा थक गए ना। आपको पता है मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ली है, बहुत ही अलग, आपको अच्छी लगेगी। मतलब कि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं है, वो चीज़ ली है मैंने। पर टाइम उतना नहीं आया, सोफा कवर वगैरह नहीं ले पाई। तो मेन काम नहीं क्या? नहीं, अरे मेन काम वो बच्चों के स्कूल वाला तो निपट गया। चलो जा रहे और दो दे दो नींबू पानी, बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं पी पाएगी ना। नॉर्मल नॉर्मल डाल दो, ठीक है ना, दे दू। आप भी पियो, लो नींबू पानी। बहुत ज्यादा खट्टा तो नहीं है? कान्हा जी की वजह से थोड़ी पत्ती रह गई इनकी। ये मेरे ख्याल से ना 2-3 साल पुराना जो बिका नहीं होगा ना, सस्ता दे दिया। वो सोच रहा होगा पुराना माल तो निकालो, ये तो फ्रेश है एकदम, बड़ा भी है। अच्छा हर्ष, एक बार ये बेटा पहन के देखो कैसे आ रही है ड्रेस। आपको वो लेके आई है ना कल स्कूल में, आपको पहन के जाना है। एक बार साइज चेक कर लो बस, थोड़ी सी बड़ी टाइप की लग रही है ड्रेस, लेकिन ठीक लग रही है ओवरऑल, थोड़ी सी बड़ी है। नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगी, चलो चलो ठीक है। मार्केट से आके दोस्तों ड्रेस भी चेंज किया नहीं है, सीधे दाल चावल चढ़ाया क्योंकि लेट हो गया था, फिर भूख भी लग गई होगी हर्ष को। बन रहा है मेरा खाना। दाल बन चुकी है, बन चुका है, इसको बंद कर देती हूँ। हर्ष पता है मम्मी आज मार्केट गई थी आपके लिए कान्हा वाली ड्रेस लेने, इतना थक गई है मम्मी। आपने हाय गाइस भी नहीं बोला आज, मुंह से पैसे निकालो, गले में चले जाएंगे। गाइस को देख के बोलो हाय गाइस, हाउ आर यू, हेलो कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो गाइस। आते टीवी देखने शुरू हो गए, कोई थक गई थी तो थोड़ा हर्ष के साथ चिल कर लेते हैं। चलो भात भी रेडी है तो अब भात खाएंगे जी। मेरा झूला है नहीं बोलते हैं, भगवान जी का झूला है वो। हर्ष अब मुझे काम करने दो, आप जाओ मोगली देखो। लड्डू गोपाल जी है, रख दो उनको, हर्ष टूट जाएगा कह रही हूँ। तेज नहीं झुलाते लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी का जो मैं झूला लाई थी दोस्तों, वो मुझे काफी सही डील मिल गई थी तो मैंने ले लिया। बट उस टाइम मुझे उसका ना मतलब उसका जो डिजाइन था वो उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, पर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं उसको घर जाके अपने हिसाब से थोड़ा और डेकोरेट करके सुंदर बना लूंगी, तो इसीलिए मैंने ना सस्ती डील मिल रही थी तो ले ली। तो अभी उसमें मैं जो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा सा डेकोरेट करके उसको सुंदर सा बनाती हूँ। ये लेस दोस्तों मैं उसमें लगा रही हूँ, ये एक्चुअली ना एक साड़ी का बॉर्डर था, तो साड़ी मिली थी दहेज में, शादी में जो मिलती हैं, तो बॉर्डर की वजह से मतलब थोड़ी घर में डेली वेयर के लिए अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो ये बॉर्डर हमने निकाल दिया था तो ये इसमें काम आ गया मेरा। आज के लिए दोस्तों मैंने इतना ही किया सिर्फ, अब कल बाकी का डेकोरेशन मैं कल करूँगी और फिर कल के व्लॉग में आपको दिखाऊँगी। दोस्तों रात के 9 बज गए हैं और आज के ब्लॉग का एंड नहीं किया था इसलिए मैं भी आई हूँ। मैं भूल गई थी बीच में, बच्चों को पार्क वार्क ले गए थे तो अभी मुझे ध्यान आया कि यार आज के आप लोगों को तो बाय बाय बोला ही नहीं। तो फिर मेरा डिनर भी बन चुका है, मैंने मशरूम की सब्जी बनाई हुई है, बटर मशरूम बनाया है मैंने, और बच्चे खा चुके हैं और माड़े मैंने बना दिए हैं। आप सोचेंगे कि सुबह से शाम तक के लोग माड़े ही खाते हैं, पर आज तो माड़ा डे ही हो गया हमारा क्योंकि हर्ष जिद करने लगा था कि माड़े ही बनाओ, तो फिर इसके पापा तो फैन है ही तो उन्होंने बोला कि चलो माड़े ही बनाओ मेरे लिए, तो फिर मैं अपने लिए क्या रोटी बनाती, तो मैंने कहा दो माड़े मैं भी खा लूंगी। ठीक है दोस्तों अब हम डिनर करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। कल दोस्तों मैं एक पुराना वाला व्लॉग भी अपना डालूंगी 14 अगस्त का, हम मेला घूमने गए थे एक्चुअली, तो मुझे एडिटिंग में टाइम लग जाता है, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता तो पुराने पेंडिंग होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो मैं डालूंगी, उसके बाद में ये वाला व्लॉग डालूंगी। ठीक है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट।